सो गाइस जैसा कि आपको भी पता है कि अभी प्रो कबड्डी चल रही है, तो इसमें कैसा होगा यार, आप घर बैठे वैसे प्रेडिक्शंस करते रहते हो कि यार आज ये टीम जीतेगी या फिर आज ये वाला प्लेयर इतने डिफेंड करेगा, इतनी सही रेट्स करेगा, या फिर अभी जो क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं इंडिया के, तो उसमें भी आप प्रेडिक्ट करते रहते हो कि यार आज ये वाली टीम विन करेगी या विराट कोहली इतने रन मारेगा। तो कैसा होगा अगर आप यार उसको ऑनलाइन करो और वहाँ से आप पैसे भी कमा सको। तो आज के वीडियो में आपको ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको सिर्फ अपने यहाँ पर घर पर प्रेडिक्शन नहीं करनी है, ऑनलाइन प्रेडिक्शन करनी है, और वहाँ पर अगर आपकी प्रेडिक्शन सही रही तो आप पैसे विन कर सकते हो। तो लास्ट तक देखें इस वीडियो को ताकि आपको सारी समझ आ जाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। सो ऐप का नेम है नोस्ट्रा प्रो। तो वैसे मैंने इसकी वीडियो बहुत पहले बनाई थी, बट अब से वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, और मुझे भाइयों ने कहा भी था कि यार कबड्डी पे जो पेटीएम वाली ऐप हो, मतलब फैंटेसी ऐप हो, वो लाओ। वैसे फैंटेसी ऐप नहीं है, प्रेडिक्शन वाली ऐप है, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे यार आपको बता दूं मैं, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हो तो आपको एक ऑफ़र मिल जाएगा शुरू में ही। वो ये है कि आप जब मतलब आपको शुरू में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा कुछ, यहाँ पे ये थोड़ा सा सिस्टम है। तो बट यहाँ पे आप डरिए मत, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये हमारे पैसे लेकर भाग जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो ऐप है ये पावर्ड है पेटीएम की तरफ से ऑफिशियली। तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, और बाकी मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा इस वीडियो में आगे चलकर। और बाकी जब आप इसको समझ लीजिए आपने कुछ डिपॉजिट करवा दिया, तो आपको यहाँ पे ऑफर क्या मिल रहा है, ये है कि आप जब मतलब समझ लीजिए आपने एक कॉन्टेस्ट खेला, आपने कॉन्टेस्ट खेला 50 रुपीज़ का, ठीक है, तो उसमें समझ लीजिए 100 प्लेयर्स थे और 10 प्लेयर्स में से प्राइज़ मिलना था, आपका नाम नहीं आया 10 प्लेयर्स में, आप मतलब हार गए उसमें, तो होगा क्या कि आपको जो आपकी एंट्री फीस है 50 रुपीज़ वो आपको वापस मिल जाएगी, सिर्फ अगर आपने मेरे लिंक से ज्वाइन किया होगा तो, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। बट ये सिर्फ अप टू 100 रुपीज़ तक ही है, मतलब अगर आप अप टू 99 रुपीज़ तक लीग खेलते हो तभी आपको मिलेंगी, ये नहीं कि आप 3000 वाली लीग लगा लो और आप बाद में उसमें हार जाओ तो आप कहोगे मुझे 3000 वापस नहीं मिला, वैसा नहीं होने वाला, सिर्फ 100 रुपीज़ तक है। तो अभी ऐप की बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्या इसके मेन फीचर्स हैं। तो जब आप इसको ओपन कर लोगे आपको जीमेल के साथ इसमें लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें जो सबसे मेन यार इसकी मुझे सही बात लगती है वो ये कि यहाँ पे हमें हर एक तरह की जो स्पोर्ट है वो मिल जाती है, मतलब क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, F1 रेसिंग, बैडमिंटन, टेनिस, और बाकी मुझे अभी याद भी नहीं है। सो बहुत सारी इसमें यहाँ पे हमें मिल जाती हैं गेम्स, बाकी जो ऐप्स होते हैं उनमें मोस्टली क्रिकेट या फिर फुटबॉल ही होता है। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस हैं जिसमें भी आप अच्छी तरह खेल सकते हो, जिसमें आपको नॉलेज है तो वहाँ पे लगाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लोगे, जब आपको बहुत सारी लीग्स मिल जाएंगी वहाँ पे, तो समझ लीजिए आपको यहाँ पे भी, अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल पे आए तो आपको मैं यहाँ पे प्रो टिप्स देता रहता हूँ। तो प्रो टिप इसमें ये है कि आपको वही लीग ज्वाइन करनी है जिसमें प्लेयर्स कम हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो लीग ज्वाइन करनी है उसमें प्लेयर्स होने चाहिए 5, इससे ज़्यादा प्लेयर्स वाली लीग मत ज्वाइन करिएगा। क्योंकि देखो यार आप खुद ही हिसाब लगाओ, समझ लीजिए एक जगह है जहाँ पे 100 बंदे हैं, 100 बंदे कम्पीट कर रहे हैं, और एक जगह जहाँ पे 5 बंदे कम्पीट कर रहे हैं, तो आपका चांस कहाँ पे ज़्यादा होगा जीतने का? ऑब्वियसली यार 5 वाली लीग में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम हो गया है। तो वैसे तो सर्च करिएगा जहाँ पे 2 प्लेयर्स वाली हो वो बेस्ट है आपके लिए। तो अगर आप 5 वाली भी लगा लेते तो फिर भी आप उसमें विन कर सकते हो, तो सर्च यही करना है। उसके बाद आपको जैसे समझ लीजिए अभी मेरा इंटरेस्ट जो है, मुझे जो नॉलेज है वो है क्रिकेट की, ज़्यादा नॉलेज है मुझे, उसके अलावा कोई भी नॉलेज नहीं है। तो क्रिकेट मैं जैसे ओपन कर लेता हूँ, उसका आपको वहाँ पे बहुत सारी लीग्स मिल जाएंगी, मैचेस मिल जाएंगी, कौन से मैच इस समय आने वाले हैं, मतलब कितने टाइम में। तो जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं मैचेस पे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद आपको जैसे क्वेश्चंस पूछेगा कुछ 7-10 इतने क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं, और बेसिक से क्वेश्चन होंगे कुछ, यहाँ पे आपको मैथ्स के अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं पूछने वाले हैं, वो सिंपल आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कि कौन सी टीम विन करेगी। जैसे मान लीजिए इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच है, उसमें आपको पूछ सकते हैं कि कौन विन करेगा, आपको जो भी लगता है आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। सिंपली आपको स्वाइप करना है कि ये टीम विन करेगी, ये टीम विन करेगी। तो बाकी यहाँ पे आपको नीचे वो थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं, मतलब उन टीम्स की पुरानी हिस्ट्री भी बता देते हैं कि ये टीम ने पिछले सीज़न में या पिछले मैचेस में ऐसा परफॉर्म किया है, या ये टीम ने ऐसा परफॉर्म किया है। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं भी है तो फिर भी आप वो पढ़ के कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हमें जो मेन रोल आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है पावर अप्स का। तो पावर अप्स बेसिकली क्या है? पावर अप्स यहाँ पे जैसे मतलब हमारी एक आपको आपके लिए एक बोनविटा का रूप साबित हो सकते हैं, मतलब आपको शक्ति मिल जाएगी एक। वो ये है कि मतलब जैसे यार जब समझ लीजिए आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पक्का ठीक होगा, समझ लीजिए इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच है, मुझे लग रहा है कि यार पक्का इंडिया ही जीतेगी, तो मैं क्या करूँगा इंडिया पे 2x वाली जो है पावर यूज़ कर दूँगा।
कि होगा क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो उसके हमें मिलते हैं 10 पॉइंट्स, अगर आपका गलत होता है तो हमें हमारे माइनस हो जाते हैं 4, मतलब आप अगर ठीक होगा तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, अगर गलत होता है तो पॉइंट्स कम भी हो जाएंगे। तो अगर मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगी तो मैं उस पर 2x वाला यूज़ कर दूंगा, तो अगर सच में इंडिया जीत जाती है तो मुझे उसके 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट एक इसकी गलत बात यह भी है कि अगर हार जाती है तो उसके -8 होंगे, -4 नहीं होंगे, -8 होंगे। तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि पावर अप्स का कितना रोल है बेसिकली। क्योंकि अगर आपकी ये गलत हो गई तो आपके सीधे 8 पॉइंट कम हो जाएंगे, बट अगर सही हो गई तो 20 पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड वाली पावर अप है वो है नेगेटिव वाली, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें आपके जो है पॉइंट्स जो है कम नहीं होते। समझ लीजिए आपने जो है एक क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया तो उसके आपके माइनस होने थे 4 पॉइंट्स, बट वो माइनस नहीं होंगे, वो आपके 0 पॉइंट्स काउंट होंगे, वो आपके माइनस नहीं होंगे। उसके बाद जो थर्ड वाली है वो है ऑडियंस पोल। आप देख सकते हो कि बाकी लोगों ने किस तरह मतलब आंसर किया है, क्या क्या आंसर किए हैं क्वेश्चंस के, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही हो या डाउट हो आपको, तो ये है पावर अप्स का रोल। बाकी अभी आती है कि बात कैसे अर्न करनी है, तो कितनी हमें मिलती हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपको हर मैच में पावर अप्स मिल जाएंगी, उनकी तरफ से मिलेंगी, आपकी तरफ से 3 पावर अप्स मिल जाती हैं, मतलब 3 2x वाली, 3 नेगेटिव वाली और 3 ऑडियंस पोल, तो ये आपको मिल जाएंगी। बाकी एक और ऑप्शन होता है कि हम बैंक से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मतलब कि ये कोई बाहर वाला बैंक नहीं, इनके अंदर ही ऐप के अंदर ही बैंक है। तो वो बेसिकली ये है कि कुछ कॉन्टेस्ट में होता है कि आप मतलब 3 के अलावा और भी पावर अप्स यूज़ कर सकते हो, तो वो आप अर्न कर सकते हो फ्रेंड्स को रेफर करके, हमें 2 पावर अप्स मिल जाती हैं हर तरह की। तो ये सारा सिस्टम हो गया। बाकी भी बात कर लेते हैं कि विड्रॉ किस तरह करना है, कहाँ पे आएगा। तो विड्रॉ के लिए हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पेटीएम और बैंक। वैसे तो मैं आपको कहूँगा पेटीएम ही यूज़ करिएगा, बैंक में थोड़ा सा ट्रांजैक्शन मतलब जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब आपको 3-4 डेज लग सकते हैं, बट पेटीएम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में मिल जाएगी। तो मिनिमम जो रिडीम है वो है यहाँ पे 121 रुपीज़ का। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया 121 रुपीज़ क्या हुआ, 100 रख सकते थे, 120 रख सकते थे, 150 रख सकते थे, बट 121 तो वो मिनिमम रिडीम है। उसके लिए आपको सिंपली अपने जाना है विड्रॉ में और वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है पेटीएम नंबर की, और उसके बाद KYC, मेक श्योर कि KYC हो आपकी। तो बाकी यार अभी मैंने इसका रिडीम किया था कुछ टाइम पहले, मैंने बहुत सारे पैसे यहाँ से विन किए हैं, तो वो मैंने अपने पेटीएम नंबर पे नहीं किया था, वो मैंने अपने ब्रदर के पेटीएम पे नंबर पे किया था, क्योंकि आगे मेरी KYC नहीं थी। तो अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जो मुझे पेमेंट रिसीव हुई है, तो वैसे तो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा दूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। तो बस यही है इस ऐप में। बाकी आपको अगर कबड्डी में नॉलेज है तो कबड्डी में ट्राई करिए। तो वैसे अगर आपको मैं कहता हूँ कि अगर आपको F1 बैडमिंटन और टेनिस में नॉलेज है तो उसमें करिए, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है। क्रिकेट तो सारे लोग खेलते हैं, सबको पता है उसके बारे में और सब लोग वहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं, बट बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, उसमें बहुत ही कम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो अगर आपको उसकी नॉलेज है तो उसमें प्रेडिक्ट करिए। सो बस यही था इस वीडियो में, यही है इस ऐप के बारे में। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, और जो सारी वीडियोस होती हैं वो सारी रियल होती हैं। बाकी अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।